नमस्कार, मैं गुंजित पाठक और आप देख रहे हैं HBA न्यूज। कोरोना वायरस को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। कभी वो अधिकारियों के साथ कोरोना की रोकथाम के लिए हाई लेवल मीटिंग करते हैं, तो कभी प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के कोने कोने का दौरा करते हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार की अब ये मुस्तैदी कोरोना के खिलाफ कारगर साबित हो रही है, जिसके चलते पॉजिटिविटी दर में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार कोविड-19 के नियंत्रण तथा उपचार के प्रभावी व्यवस्था की गई है, साथ ही उनके प्रयासों के बेहतर नतीजे भी मिल रहे हैं और रिकवरी दर लगातार बढ़ रही है। वहीं संक्रमण की पॉजिटिविटी दर में निरंतर गिरावट दर्ज हो रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करते हुए यूपी सरकार ने कहा कि सभी जनपदों में पर्याप्त संख्या में L1, L2 तथा L3 बेड उपलब्ध हैं। विगत 1 मार्च को 17,325 बेड की उपलब्धता की तुलना में आज प्रदेश में 80,000 ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध हैं। कहीं भी बेड की कोई समस्या नहीं है। राज्य सरकार सभी जिलों में ऑक्सीजन की अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में 1,080 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। सभी जिलों में 72 घंटे से अधिक की रिजर्व ऑक्सीजन उपलब्ध है। आपको बता दें कि प्रदेश में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान संचालित है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु तथा राज्य सरकार द्वारा 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का निशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इस आयु वर्ग का टीकाकरण वर्तमान में 18 जनपदों में संचालित है, जिसे कल 17 मई से 5 अन्य जनपदों में संचालित किया जाएगा। इस प्रकार 23 जिलों में युवाओं का वैक्सीनेशन होने लगेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश कोविड वैक्सीनेशन करने वाला अग्रणी राज्य है। वैक्सीन की सुचारू उपलब्धता बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल टेंडर करने वाला पहला राज्य है।